हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानिश द सिविल वर्ल्ड। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम बात किए थे और क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सॉइल को कितने आधार पर क्लासिफाई करते हैं, तो हम देख लिए थे पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन और इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हम देख चुके थे। आज हमारा अगला टॉपिक है मैकेनिकल एनालिसिस। मतलब एनालाइज होता है पता करना, हम कैसे हम सॉइल को क्लासिफाई किए हुए हैं, कैसे हम सॉइल को एनालाइज करते हैं कि ये किस तरह का सॉइल है, तो देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइज ग्रेडेशन एनालिसिस, इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं साइज ग्रेडेशन एनालिसिस। इसको हम साइज के आधार पे भी क्लासिफाई करते हैं। दूसरा होता है हमारा द पार्टिकल साइज एनालिसिस इज नोन एज मैकेनिकल एनालिसिस। तो पार्टिकल साइज, देखिए किसी भी सॉइल को पार्टिकल के आधार पर क्लासिफाई करना, पता करना कि वो किस तरह का सॉइल है, उसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनालिसिस। थर्ड में देख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली ऑन अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली हमें कर्व ड्रॉ करते हैं जो कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। तो अभी हम देख लेते हैं, मैकेनिकल एनालिसिस इज डन इन टू स्टेज। मैकेनिकल एनालिसिस एक मेथड होता है, इसको हम दो स्टेज में करते हैं। पहला होता है हमारा सीव एनालिसिस मेथड, दूसरा होता है हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड। और सीव एनालिसिस मेथड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पहला है हमारा ड्राई सीव एनालिसिस और दूसरा है हमारा वेट सीव एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि सीव एनालिसिस किस तरह के सॉइल के लिए हम अप्लाई करते हैं, ये मेथड किस तरह के सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सीव एनालिसिस हम यूज़ करते हैं फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। और सेडिमेंटेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो नोट में ये देख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये नोट है हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए। इफ़ पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, अगर हमारा सॉइल का पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे, तो हम इस कंडीशन में सीव एनालिसिस मेथड हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमारा है इफ़ पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल इज लेस देन 75 माइक्रोन, अगर हमारे पास सॉइल का साइज अगर 75 माइक्रोन से कम है, तो इस कंडीशन में हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड इज यूज्ड। तो चलिए हम डिटेल में देख लेते हैं कि सीव एनालिसिस मेथड होता क्या है। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल ओनली, वही वाला बात है जो हम पिछले डिस्कस किए थे। तो ये मेथड किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। और दूसरा वही कोर्स ग्रेन सॉइल क्या होता है, तो पार्टिकल साइज ऑफ सॉइल शुड ग्रेटर देन 75 माइक्रोन, अगर 75 माइक्रोन से कम है, सॉरी 75 माइक्रोन से अगर ज़्यादा है, तभी हम सीव एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से कम है, तो हम उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस मेथड यूज़ करेंगे। तो कोर्स ग्रेन की बात करते हैं, तो कोर्स ग्रेन में हमारा ग्रेवल भी होता है और सैंड भी होता है। तो ग्रेवल की बात करते हैं, तो इसका हमारा साइज होता है, साइज पार्टिकल ग्रेटर देन 4.75 mm, 4.75 mm से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। और सैंड होता है पार्टिकल साइज शुड बी मोर देन 75 माइक्रोन एंड लेस देन 4.75 माइक्रोन। और पार्टिकल सैंड की बात करते हैं, तो इसमें पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा होता है और 4.75 से कम होता है। देखिएगा सीव से सेट क्या होता है, अगर ग्रेवल की बात करते हैं, तो हम एक सीव को हम अकॉर्डिंग टू साइज हम उसको हम अरेंज करते हैं। तो सबसे ऊपर होता है हमारा सबसे लार्जर साइज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो सबसे ऊपर हमारा 80 mm का सीव होता है, सीव होता है चलनी, नेट होता है, हम इसी के थ्रू हम सॉइल मास को पास कराते हैं। तो ये होता है हमारा 80 mm, 40, 20, 10 एंड फाइनली 4.75। ये किसके लिए होता है नेट, ये ग्रेवल के लिए यूज़ होता है। और सैंड पार्टिकल, अगर सैंड का अगर हम अगर हमारे पास सॉइल का अगर साइज पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से 4.75 mm के बीच में है, तो इस कंडीशन में हम किस तरह का सीव यूज़ करेंगे। तो सबसे ऊपर होता है हमारा 2.36, फिर 2 mm का, 1.7 का, 1.18 का, कुछ इस तरह का यूज़ करते हैं। और ये प्रॉपरली अरेंज होता है, एक से ऊपर, एक के जस्ट नीचे एक होता है। और इस पर हम टेस्ट करने के लिए इस पर हम पुट करते हैं सॉइल मास को, यहाँ पर रखते हैं। चलिए मेथड हम देख लेते हैं, दिस द सॉइल सैंपल शुड बी ओवन ड्राई। हम जो सॉइल सैंपल जो हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई। ओवन मतलब होता है बिल्कुल सूखा हुआ, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन पाउडर फॉर्म, और हमारा जो सॉइल सैंपल किस तरह होना चाहिए, पाउडर के फॉर्म में होना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट प्रेजेंट एनी लंप। लंप क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, अगर सॉइल मास में अगर हल्का सा कहीं पानी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो हमारा टुकड़ा की तरह दिखने लगता है, मतलब एक ढेला जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा लंप नहीं होना चाहिए। अगर लंप अगर रहता है, तो अगर हम यहाँ से पास कराएंगे, तो ये ऊपर ही रह जाएगा, ये पास नहीं होगा। इसीलिए हमारा जो सॉइल मास होना चाहिए बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होना चाहिए।
चलिए थर्ड में देख लेते हैं, द सॉयल सैंपल इज सीव्ड थ्रू द सेट ऑफ सीव विच आर अरेंज प्रॉपरली। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉयल सैंपल को जो हमारा सीव जो चलनी है, जो नेट है जो हम प्रॉपरली अरेंज किए हैं, इसको हम यहाँ से ऊपर से पुट करेंगे, मतलब रखेंगे, पास कराएंगे। तो द सॉयल सैंपल विच आर रिटेंड ऑन 4.75 mm सीव देन इट इज़ कॉल्ड ग्रेवल फ्रैक्शन। अगर हम 4.75 mm सीव पे अगर रह जाता है, चलिए इसके ऊपर एक और हमारा साइज होता है जिसको होता है, जिसका साइज होता है 4.75 mm। अगर हम 4.75 mm पे अगर जो सैंपल जो हम सॉयल सैंपल जो 4.75 mm सीप पे अगर रुक गया, उसको बोलते हैं ग्रेवल फ्रैक्शन। मतलब 4. और ग्रेवल का साइज़ क्या होता है, 4.75 से ज़्यादा होता है, इसलिए ग्रेवल फ्रैक्शन होता है। और अगला देख लेते हैं, द सॉयल सैंपल विच आर पासेज थ्रू 4.75 mm सीप एंड रिटेंड ऑन 75 micron सीप देन इट इज़ कॉल्ड सैंड फ्रैक्शन। देखिएगा ध्यान से, ऐसा सॉयल पार्टिकल जो हमारा 4.75 mm से पास कर जाए और कहाँ पे जाके रुक जाए, 75 micron पे जाके रुक जाए, रिटेन कर जाए, तो इस तरह के सॉयल सैंपल को क्या बोलेंगे हम, सैंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये था हमारा कुछ मेथड था, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसी में इस मेथड के हेल्प से हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल हम तैयार करते हैं लैब में कुछ इस तरह का। तो यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो सबसे पहले होता है हमारा सीव साइज़ होता है, दूसरा होता है परसेंटेज रिटेन ऑन सीव, कितना परसेंट किस सीव पे रुक गया, थर्ड होता है कुमुलेटिव परसेंट रिटेंट, और फाइनली होता है हमारा परसेंट फाइनल। तो देखिएगा ये हमारा प्रॉपरली अरेंज करती हैं, ये हमारा सबसे ऊपर 10 mm का होता है, फिर 4.75, ऐसे ही होते होते हमारा लास्ट में होता है जो कि 0.075 से जो पास कर जाए, पेन जिसको बोला जाता है। और ये क्या होता है हमारा, इसमें हम चेक करते हैं कि 10 mm पे, चलिए ये क्या होता है हमारा सीव साइज़ होता है, दूसरा होता है परसेंट रिटेंड ऑन सीव। अगर हम कितना सॉयल सैंपल लिए हैं, ये सब क्या होता है हमारा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा ऊपर हो जाता है 10 का, ये चलिए अगर ये 10 mm का हो जाता है हमारा सीव, और ये 4.75 mm का है, ये हमारा 2.36 का है, और ये 1.18 का है, और 0.60। तो अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर सॉयल सैंपल हम जैसे 2 kg भी हो सकता है, 3 kg भी हो सकता है, अगर चलिए एज्यूम करते हैं हम अगर 1 kg लेते हैं सॉयल सैंपल, अगर इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 mm सीव पे कितना हमारा सॉयल सैंपल रिटेन कर गया। और उसको हम वेट करते हैं, अलग से वेट करते हैं, उसको वज़न करते हैं, और वज़न करने के बाद हम निकालते हैं कितना परसेंट रिटेन कर गया। और इसका फॉर्मूला होता है परसेंट रिटेन ऑन सीव, तो वेट ऑफ सॉयल रिटेन ऑन सीव, मतलब जिस सीव पे कितना हमारा सॉयल सैंपल रुक गया है, अपॉन टोटल वेट टेकन ऑफ सॉयल, हम टोटल वेट कितना लिए हैं सॉयल का, और इंटू 100 करते हैं। तो फिर उसी तरह देखते हैं 4.75 पे हम उस सीव पे उस चलनी का हम वज़न करते हैं कि उस पे हमारा कितना सॉयल सैंपल है, और उसी की मदद से इस फॉर्मूला के वजह मदद से हेल्प से हम परसेंटेज रिटेंड निकालते हैं। सेम सब करते करते कर लेंगे। उसके बाद कुमुलेटिव परसेंटेज रिटेंड, ये कुमुलेटिव क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा सबसे पहला का ये फर्स्ट उसी तरह रह जाता है, और दूसरा निकालने के लिए हमारा 8 + 11.3 कर देते हैं तो ये हमारा निकल जाता है 19. अगला निकालने के लिए 19.3 + 15 + 2 करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसको प्लस करके ये निकल जाएगा, जो कि हम मैट्रिक में या टेंथ में हम ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा परसेंट फाइनल, हम कैसे निकालते हैं परसेंट फाइनल, निकालने के लिए हम 100 - 8 करेंगे, जितना आएगा हमारा यहाँ पे परसेंट फाइनल कर देंगे, और इसका नहीं 4.75 का परसेंट फाइनल निकालने के लिए 100 - 19.3 जितना आएगा हम यहाँ पे ये कर देंगे, सेम वैसे ही हम सबको हम अप्लाई कर देंगे। इसको निकालने के लिए 100 - 34.5 कर देंगे, तो सब इसी तरह हम निकाल लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा परसेंट फाइनल, और ये परसेंटेज ये फॉर्मूला होता है हमारा वेट ऑफ सॉइल रिटेंड ऑन सीव अपॉन टोटल वेट टेकन ऑफ सॉइल इनटू 100। चलिए रिजल्ट में क्या होता है हमारा, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टेबल, ऑब्जर्वेशन टेबल की मदद से हम एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम प्रिपरेशन करती हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा, और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस परसेंट फाइनर चाहिए कि कितना परसेंट फाइनर है, और ये हमारा सीव का साइज चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशन टेबल की हेल्प से हम एक पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ड्रॉ करते हैं। तो हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीव एनालिसिस मेथड। चलिए थैंक यू गाइस।